टनल देखने मिलेगा जहाँ पे आपको ऊपर से नीचे तक पानी पानी और उसमें तैरती फिशेस दिखाई देंगे। और दोस्तों ये यहाँ का एक्वेरियम है इस मेले का जो कि लग तो झूले दोस्तों ये भी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों दिल्ली के द्वारका में एक बहुत ही जबरदस्त मेला लगा हुआ है जो कि आज से स्टार्ट हो गया है। वो मेला ये है द्वारका उत्सव मेला। और ये मेला दोस्तों जो है आज से स्टार्ट यानी 25 फरवरी से स्टार्ट हो गया और 31 मार्च तक चलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारे राइड्स हैं और सबसे खास बताऊँ दोस्तों यहाँ का जो एक्वेरियम है वो देखने लायक है। तो हम अंदर जाएंगे, एक्वेरियम भी दिखाएंगे और कितने तरह के राइड्स वो भी दिखाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था वो बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और द्वारका के आसपास तो इस मेले में जरूर आना। तो चलिए अंदर चलते हैं, घुमाते हैं आपको द्वारका उत्सव मेला। दोस्तों बात करते हैं इस मेले के। दोस्तों ये मेला लगा है द्वारका सेक्टर 11 में और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बात करें वो है द्वारका सेक्टर 11। वहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे या रिक्शा करके जा सकते हैं। और लैंडमार्क बता दो दोस्तों, यहाँ का जो सेक्टर 11 का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जस्ट साथ में है, रामलीला मैदान है। और यहाँ की टाइमिंग है वो होने वाली शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक और ये 31 मार्च तक खुला हुआ है और आज से स्टार्ट है। तो चलिए चलते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन अंदर चल के देते हैं। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए गए हैं, प्रेजेंटेड बाय ड्रीमलैंड और भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल। ये देखिए इस तरह का टनल आपको देखने मिलने वाला है, तो भाई इंटरेस्टिंग होने वाला है मेला। सो दोस्तों बात करें पार्किंग की, दोस्तों देखिए आप यहाँ पे पार्किंग लगा सकते हो, साथ में दोस्तों वहाँ भी लगा सकते हो। पार्किंग चार्ज दोस्तों बाइक के 50 रुपये और कार के 100 रुपये होने वाले हैं। सो दोस्तों देखिए मेरे सामने सेक्टर 11 का द्वारका खेल परिसर और जस्ट साथ में दोस्तों यहाँ देखिए एंट्री हो रही है मेले की। सो दोस्तों मैंने मेले में एंट्री कर लिया है। और बात करें एंट्री टिकट के, दोस्तों आज तो कुछ भी एंट्री टिकट नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है। और मैं जब तक बात करते हैं एक्वेरियम की, अभी उसका टिकट क्या है मैं थोड़ी देर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप मेले में एंट्री करेंगे और जो कि इस मेले का खास चीज है वो है एक्वेरियम, यहाँ का फिश एक्वेरियम है। इस तरह के आप देखिए टनल देखने मिलेगा जहाँ पे आपको ऊपर से नीचे तक पानी पानी और उसमें तैरती फिशेस दिखाई देंगे और तरह तरह की फिशेस दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों छोटी छोटी फिशेस है यहाँ पर, देखिए बिल्कुल छोटी छोटी फिशेस। और जैसे आप थोड़ा आगे आएंगे आपको और भी फिशेस देखने मिलेंगी बड़ी बड़ी। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। सो दोस्तों काफी लोग देखे आ रहे हैं, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है। ये देखिए और ये पूरा नीचे का हिस्सा, ये देखिए हर तरफ आपको फिश नजर आएगी। ये देखिए ये यहाँ का एक्वेरियम है इस मेले का जो कि द्वारका सेक्टर 11 में लगा हुआ है। और इस तरह से देखिए आप ना बहुत तरह के फिश देख पाओगे। देखिए इस तरह के बड़े बड़े फिश हैं यहाँ पर, और भी फिश देखोगे यहाँ पे और भी है, तो आपको दिखाता हूँ बने वीडियो में। अब इसके टिकट कितनी है बता दूंगा थोड़ी देर में। फिलहाल ये देखिए यहाँ पे फिश वगैरह है यहाँ पर, यहाँ पे आपके छोटे छोटे बच्चे फिश देख पाएंगे। ये देखिए खूब प्यारे प्यारे फिश हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों केकड़े वगैरह आप देख पाओगे, ये देखिए केकड़े। तो दोस्तों देखिए ये फिश कितनी प्यारी लग रही है, देखिए बिल्कुल प्यारी सी फिश है, तो आप देख पा रहे हो। देखिए ये देखिए दोस्तों इस तरह की फिश मैंने आज तक नहीं ली है, जो बड़ी मछली है। ये देखिए और ये देखिए लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो दोस्तों मैंने इस मेले की सबसे खास चीज दिखाई वो थे एक्वेरियम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा मतलब विजिट किया किसी ऐसे एक्वेरियम में और टनल था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। और फिलहाल जो टिकट है दोस्तों आज तो हमारी फ्री हो गई है, लेकिन अगर आप आते हैं तो शायद इसकी टिकट 100 रुपीज हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि इस टिकट 100 रुपीज में आपकी एंट्री टिकट भी इंक्लूड हो जाए, तो उसके बारे में अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। फिलहाल जैसे भी होगा लेकिन अभी 100 रुपीज मान के चले। अब चलिए चलते हैं आपको स्टॉल्स वगैरह दिखाते हैं, यहाँ पे कौन कौन स्टॉल्स है और किस तरह के स्टॉल्स हैं, खाने पीने क्या है। सो ये देखिए एक एफिल टावर बनाया गया है और साथ में देखिए इस तरह के पूरे स्टॉल्स आपको देखने मिलेंगे। सो दोस्तों अभी फिलहाल फर्स्ट डे है तो बहुत सारे जो स्टॉल्स खाली दिख रहे हैं, फिलहाल जो स्टॉल्स भरे मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये देखिए ये जो है क्रॉकरी के स्टॉल है, जहाँ पे आपको कटोरियाँ प्लेट ट्रेस वगैरह देखने मिलेंगे। इस तरह कटोरियाँ इस तरह के प्लेट है जो आप यहाँ ले पाओगे। रेट्स वगैरह ऑलरेडी मैंशन है यहाँ पर, देखिए इस तरह के रेट यहाँ मैंशन है 60 रुपये में। इस तरह के आप ना प्लेट ले सकते हो और इस तरह की कटोरियाँ हैं और इस तरह के प्लेट्स वगैरह हैं। और भी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस तरह के देखिए बाउल्स जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस तरह के बाउल्स हैं फिलहाल। और अगर आपको टिफिन वगैरह चाहिए तो इस तरह के छोटे बड़े टिफिन भी अवेलेबल है यहाँ पर। भैया कितना प्राइस है इसका?
40 रुपीज का ये टिफिन पड़ने वाला है। और आगे देखेंगे यहाँ पे, देखिए 30 रुपीज है, तो जितने प्लेट्स है यहाँ पे 30 रुपीज के होने वाले। तो इसके साथ ट्रे भी है, छोटे ट्रे वगैरह भी है जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए इस तरह के ट्रे हैं, तो 2 कप तो आई सकती है ट्रे में, तो काफी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। तो बड़े ट्रेस भी हैं, इस तरह के बाउल्स भी हैं आप देख पाओगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आइए, परचेसिंग करिए, भर के परचेसिंग करिए अगर आप यहाँ रहते हैं। तो चलिए बाकी स्टॉल भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ना घर के काम को आसान बनाने वाले प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जितने आप सामान देख रहे हो वो सारे आपके काम को आसान बनाने वाले हैं। देखिए ये देखिए इस तरह की चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। और देखिए आपके आपको फुट बाथरूम मैट भी है यहाँ पर, और इस तरह की चीज़ें देखिए आपने देखी होगी। ये सारी तरह चीज़ें जो हैं वो आपके किचन और बाथरूम में इस्तेमाल होते हैं, जो मशीन है जो आपको कार वॉश करने में, बाइक वॉश करने में काम आएगी इस तरह की। ये देखिए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जो बैग्स वगैरह खासकर लेडीज़ की लड़कियों के लिए है, देखिए आप कॉलेज बैग्स भी है, कुछ एक साइड बैग भी है, इस तरह के बैग्स हैं। और ये बैग्स देखिए कितनी ट्रेंडी लग रही है, क्या प्राइस है इसका? 550 का। और ये वाला 600। और ये जो कॉलेज बैग जो लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं ये भी 650 का है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे रेंज है, बहुत सारी वैरायटीज है बैग्स की जो आप यहाँ पे ले पाओगे। और आज पहला दिन है और आने वाले टाइम हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट देखने मिले, तो आप आइए यहाँ विजिट के दौड़का सेक्टर 11 में और ये ट्रेंडीज बैग लेके जाइए अपने घर पे। सो दोस्तों देखिए पहले दिन ये ज्वेलरी के सेक्शन में पूरी भीड़ लग गई है और यहाँ पे देखिए लूटपाट मचा दिया दोस्तों। 50 रुपये से 100 रुपये के बीच आपको ज्वेलरी वगैरह मिल जाएगी। लड़कियों सामान है इसलिए मैं ज़्यादा आगे जा नहीं रहा हूँ दिखाने के लिए, मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं आगे। सो दोस्तों देखिए ये जो सेक्शन है ये 100 रुपये वाला है और यहाँ देखिए इस तरह के आप कड़े वगैरह मिल जाएंगे आपको। इस तरह के देखिए जो है नेकलेस वगैरह, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह आप ले पाओगे यहाँ पर। और पार्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। सो दोस्तों देखिए ये बच्चों का सेक्शन है, यहाँ पे किस तरह के देखिए बॉल वगैरह है तो देखिए जो आप ले पाओगे। और ये सारा देखो बच्चों के सामान है यहाँ पे, पियानोस वगैरह भी है, छोटे टॉयस वगैरह भी आप देख पाओगे यहाँ पे, टॉयस वगैरह भी है। ये देखिए इस तरह के खिलौने, कार वगैरह भी है यहाँ पर। ये देखिए ये पियानो भी है। ये देखिए कितने का भैया पियानो वाला? 550 का दोस्तों ये पियानो पड़ने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जीप, अच्छा विदाउट सेल है, कार वगैरह भी यहाँ जो आप ले पाओगे। और देखिए टॉयस वगैरह बहुत सारी है यहाँ पर। ये देखिए तो दोस्तों ये 350 रुपये का, देखिए अच्छे गन लग रहे हैं। तो दोस्तों ये सेक्शन में हूँ यहाँ पे, देखिए स्टॉल में आपको ना जो भी है यहाँ पे और यहाँ ओढ़ने के लिए चाहिए होता है। अच्छा अच्छा हाँ, और क्या प्राइस है उसकी वैसे? सर ये आपको पड़ेगा 1000 रुपीज का। और ये जो चादर वगैरह है जो, ये आपको पड़ेगी 750 रुपीज की, साइज की बेडशीट है और ये इलास्टिक वाली है जो पूरा आपको कवर, आपके बेडशीट को कवर कर लेती है मैट्रेस को। ये आपको पड़ेगी 650 रुपीज की। तो ये सेक्शन अभी ओपन है दोस्तों, यहाँ पे आ सकते हो, ले सकते हो। फिलहाल कुछ बैग्स वगैरह भी है आपके, गुजरात वगैरह से सारा सूरत का माल, गुजरात का। दोस्तों देखिए तब देखने से लग रहा था कि चीज जो है गुजरात की है। ये देखिए क्या कितने का बैग है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बैग आपको पड़ेगा 700 रुपीज का दोस्तों। ये बैग है बहुत अच्छा लग रहा है बैग। ये देखिए स्टिकर वगैरह है, आप फ्रेम्स वगैरह ले पाओगे, फोटो फ्रेम्स वगैरह है यहाँ पर। तो दोस्तों अब जिस सेक्शन में आपको लेके आ रहा हूँ ना, अगर आप 100 किलो के आपने थोड़ा सा जागरूक हो तो आप इस सेक्शन में जरूर आओगे कि यहाँ मिलने वाला ड्राई फ्रूट। चलिए आपको दिखाते हैं, ये है महक कश्मीरी ड्राई फ्रूट एंड केसर। तो यहाँ पे आपको ना देखिए काजू वगैरह तो है यहाँ अवेलेबल यहाँ पर, साथ में देखिए यहाँ पर जो है अखरोट वगैरह भी है, और साथ में देखिए इस तरह के बादाम, ये बादाम के साइज बहुत बड़े हैं, मैंने देख रहा हूँ ये बादाम के साइज आप देखोगे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। साथ में आपको केसर वगैरह भी यहाँ पर, सैफ्रन केसर भी अवेलेबल है। और उसके क्या पता नहीं होता वो सही कि नहीं, वो आप आके चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ ऑयल्स वगैरह भी हैं वो भी आप देख पाओगे यहाँ पर। ये देखें बाकी यही सब है यहाँ पर, तो आओ यार एक बार जरूर चेक करना यहाँ पर, स्टॉल पर जरूर आना। खाने पीने का भी मैं अभी फिलहाल यही स्टॉल ओपन है। जैसे कि यहाँ वैरायटी ऑफ परफ्यूम्स भी है यहाँ पर, परफ्यूम वगैरह भी ले पाओगे यहाँ पर। ये देखें चलिए दोस्तों आप दिखाते हैं यहाँ कौन कौन झूले यहाँ पे लगे हुए हैं फिलहाल। और देखिए फिलहाल ये जो झूला है इसका नाम मुझे नहीं पता, फिलहाल अभी ओपन नहीं हुआ है। चलिए काउंटर जाके पूछते हैं टिकट वगैरह क्या है। भाई साहब तो भाई साहब, अरे भाई साहब है नहीं, कह रहे हैं दुकान खुली नहीं, ग्राहक पहले ही आ गए। तो फिलहाल अभी ओपन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 150-200 रुपये टिकट होने वाला दोस्तों इस मेले में झूले का, पर झूले का जितने झूले यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे और भी झूले हैं जो आपको दिखाता हूँ, चलिए बारी बारी से। ये देखिए देखिए एक झूला ये है, फिलहाल अभी अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए टोरा टोरा इस तरह के झूले हैं, तो ब्रेक डांस है दोस्तों इस झूले का नाम, फिलहाल अभी ओपन नहीं है।
और साथ में देखिए यहाँ पे है जाइंट व्हील और छोटे कोलम्बस राइड और पूरा जाइंट व्हील है। फिलहाल तो अभी फूड कोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे खाने का कोई स्टॉल नहीं है। दो दिन बाद ही आना दोस्तों यहाँ पे, तभी कुछ खाने पीने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ कोल्ड ड्रिंक की शॉप लगने वाली है, बाकी यहाँ छोले भटूरे की दुकान लगेगी, चाय की दुकान लगेगी। ये देखिए दोस्तों, मेरे सामने देखो ये 12 डी एंटरटेनमेंट शो है। भाई साहब पैसा बर्बाद है, सही बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसमें मत जाना। ये मेरे को बर्बाद लगता है, ये 3D व्यायाम में कुछ भी नहीं, भाई साहब कुछ भी ढंग में मजा नहीं आता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप देना चाहो तो देख सकते हो। सो फिलहाल देखिए जाइंट व्हील स्टार्ट हो गया है और अभी जो है टिकट 100 रुपये बता रहे हैं, सोचता कि आगे देखिए फ्यूचर बढ़ भी जाएगा, तो कुछ कह नहीं सकता फिलहाल मैं। देखिए अब वो जाइंट व्हील साथ साथ कोलंबस राइड भी स्टार्ट हो गया, ये देखिए। तो दोस्तों फिलहाल ड्रिंक्स वगैरह चुस्की वगैरह रेडी हो चुका है और आज से मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा आपको थोड़ी देर में। दोस्तों बच्चों का देखिए ये एंटरटेनमेंट, सबसे जो रेल है, रेलगाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और 70 रुपये टिकट है इसकी, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। देखिए इस मेले में कुछ झूले दोस्तों, ये भी है और ये भी है, और पीछे देख पा रहे हो वो एफिल टावर अकेला खड़ा है। देखिए दोस्तों ये था द्वारका का उत्सव, द्वारका उत्सव मेला जो कि लगा द्वारका सेक्टर 11 में। अभी बहुत ज्यादा स्टॉल ओपन नहीं है, मोस्टली खाली है। अगर आप मेरी वीडियो पूरा देख चुके हो तो 2 या 3 दिन बाद आना, क्वेश्चन है सैटरडे आना ताकि पूरा स्टॉल को भरे हुए मिले। बाकी यार यहाँ पे सबसे बेस्ट है वो है एक्वेरियम, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और टिकट प्राइस मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, बाइक पार्किंग सिर्फ शेयर कर दी है और लोकेशन शेयर कर दिया है। तो जो भी अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो जय हिंद जय भारत।